नाजरीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं नजमा आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आज का इस प्रोग्राम बीएड के तुलबा के लिए हैं। आज का मौजू है थॉर्नडाइक का इक्तिसाबी नज़रिया। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ है जनाब मोहम्मद मुशाहिद साहब। मुशाहिद साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इस गुफ्तगू की तरतीब बताती चलूं। आज हम इस मौजू पे थॉर्नडाइक के इक्तिसाबी नज़रिए पे बातचीत करेंगे, उनका तजुर्बा देखेंगे और उनके मराहिल के बारे में जानेंगे और उनके खवानीन क्या दिए गए हैं और इसको तालीमी में किस तरह से इतलाक किया गया है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आइए चले पहले हम जाने थॉर्नडाइक का नज़रिया क्या है। मुशाहिद साहब बताइए, थॉर्नडाइक का नज़रिया क्या है, इक्तिसाबी नज़रिया क्या है? थॉर्नडाइक ने जो इक्तिसाबी नज़रिया पेश किया है जी, उसका नाम है ट्रायल एंड एरर का तरीका। अच्छा, यानी कि सही और ख़ता का नज़रिया। सही और ख़ता का नज़रिया, जी जी जी। जिस तरीके से इसके नाम ही से जो है जाहिर है जी, कि गलती और कोशिश, यानी कि इंसान जो कुछ भी सीखता है जी, सबसे पहले कोशिश करता है, फिर गलती करता है जी, फिर कोशिश करता है, फिर गलती करता है जी, और ये गलती और कोशिश और कोशिश और गलती का सिलसिला तब तक जारी वो सारी रहता है जब तक कि वो उस शय को मुकम्मल तौर पर सीख नहीं जाता या इक्तिसाब नहीं कर लेता या लर्न नहीं कर लेता। तो ये थॉर्नडाइक का नज़रिया सही और ख़ता का नज़रिया जो इक्तिसाब में हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? जी मैडम, अगर हम अपनी आम जिंदगी का मिसाल लें तो हम ये देखते हैं कि एक शिरखार बच्चा है जी, जब वो चलना सीखता है शुरू शुरू में तो वो चलने की कोशिश करता है, उठता है, फिर गिर जाता है जी, फिर उठता है, फिर गिर जाता है। कोशिश और गलती, ये सिलसिला उसका तब तक जारी रहता है जब तक कि वो बेहतर तरीके से चलना ना सीख ले। जब तक हम गलतियां कम करते रहेंगे तो जब इक्तिसाब अच्छी तरह से होगा, जब कोशिश ज्यादा होगी। थॉर्नडाइक ने एक तजुर्बा भी किया है जो हम इक्तिसाब में उसके मराहिल देखे हैं, तो आप मुख्तसर से बताइए तजुर्बा क्या है आखिर? बकौल थॉर्नडाइक, जब इंसान किसी भी शय को सीखना शुरू करता है तो सबसे पहले वो कोशिश करता है, फिर गलती करता है, फिर कोशिश करता है, फिर गलती करता है, और ये सिलसिला जारी रहता है जब तक कि वो उस शय को मुकम्मल सीख नहीं जाता। इसके बाद जो दूसरी बात है इसमें, कि इस कोशिश और गलती, यानी कि सही और खता, कोशिश और गलती, इसमें जब ये सिलसिला जारी रहता है तो गलतियों की तादाद बिलतरतीब कम होती जाती है। अच्छा। और एक ऐसा वक्त आता है जबकि वो बगैर किसी गलती किए हुए उस चीज को वो दोहराता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे बताया कि जब बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले कोशिश करते हैं, चढ़ते हैं, चढ़ते हैं, गिर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिर जाते हैं, धीरे 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 वो साइकिल चलाना सीख लेते हैं। इसी तरीके से जो है ड्राइविंग सीखना, जब एक इंसान जो है ड्राइविंग सीखता है तो कभी गियर के जगह पर ब्रेक लगाता है, एक्सेलेटर को कम करना है, ज्यादा कर देता है, इसी तरीके से, लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे उसकी गलतियों की तादाद कम होती जाती है और आखिर में वो बिल्कुल फर्राटे के साथ बगैर किसी गलती किए हुए कहीं भी हुजूम में या कहीं भी वो बड़े आराम से चलाता है। और इसमें जो सबसे जो अहम बात है कि इंसान बाद में उसमें मुकम्मल मुकम्मल परफेक्ट हो जाता। अच्छा, है महारत हासिल कर लेता, महारत हासिल कर लेता है। इसी चीज को थॉर्नडाइक ने इस तरीके से बयान किया कि जब कोई भी चीज हम सीखना शुरू करते हैं तो गलती करते हैं, कोशिश करते हैं, गलती और कोशिश का ये सिलसिला चलता रहता है और आखिर में गलतियों की तादाद कम होती जाती है और आखिर में हम बगैर किसी गलती किए हुए हम सीख लेते हैं। इसीलिए इस इक्तिसाबी नज़रिया को थॉर्नडाइक ने सही और ख़ता यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग का नाम दिया। अच्छा जी, तो ये सही और खता का मेथड ऑफ लर्निंग का तरीका है। जी जी। तो ये तरीका हम रोजमर्रा टाइपिंग में भी देखते हैं। जी, तो टाइपिंग में जब हम सीखते हैं तो पहले
उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो नंबर ऑफ जितने ट्रायल्स हम लेंगे उतनी प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है। यस यस, और उसी स्विमिंग में भी देख सकते हैं हम इसको। यस यस, और कंप्यूटर ऑपरेट करने में मैनुअल मैनुअल जो भी वर्क है तो ट्रायल एंड एरर से करते हैं, तो हम रोजमर्रा जिंदगी में ये तो आम इस्तेमाल होने वाली चीज है बहुत। अच्छा, अब उनके ये थियरी के लिए किस तजुर्बे पे किया, किस तजुर्बे पे उसने ये थियरी मालूम की है, इसका तजुर्बा क्या है? यस मैडम, थांडाई का तजुर्बा बड़ा ही दिलचस्प तजुर्बा है। अच्छा बताइए सर। तजुर्बे को मैं बताने से पहले मैं हजरत आदम की आपको मैं बात में जो है बता देना चाहता हूँ। अच्छा बताइए। ये हजरत आदम बहुत होशियार हैं। अच्छा, जब कभी भी ये तजुर्बा करते हैं, खा वो साइंस का तजुर्बा हो या खा वो तिब का तजुर्बा हो, तो उसमें वो जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। क्योंकि वो अपनी जान पर वो जो है जोखिम जो है नहीं लेना नहीं चाहते लेना। अच्छा, जिस तरीके से मैडम आपको याद होगा कि चांद पर जिंदगी है कि नहीं, हाँ। इसको मालूम करने के लिए इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को भेजा जी, ताकि हम ये देख सकें कि क्या वहां पर है। तो इसी तरीके से तिब में जब किसी दवा की मेडिसिन की इजाद करनी होती है तो उसका तजुर्बा हम जो है जानवरों पर पहले करते हैं। हाँ। मेडिकल का कोई स्टूडेंट है जब वो मेडिकल में दाखला लेता है तो सबसे पहले वो इंसानों की जो है चीड़ फाड़ जो है नहीं शुरू कर देता, बल्कि वो जानवरों पर तजुर्बा। तो इसी तरीके से इस इक्तिसाबी नजरिया को पेश करने के लिए थांडाइक ने एक बिल्ली को जो है बतौर तजुर्बा इस्तेमाल किया। अच्छा, बिल्ली का इस्तेमाल किया, जो कि नहायत ही दिलचस्प तजुर्बा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बताऊं। आप बताइए उसको जरा तफसील से बताइए किस तरह से उसने ये नजरिया को अपनाया। जी जी जी, थांडाइक ने सबसे पहले एक भूखी बिल्ली को लिया। अच्छा, भूखी बिल्ली भूखी थी, ये अच्छा, शर्त ये शर्त है, ये शर्त है, भूखी बिल्ली भूखी थी, बिल्ली है, और उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया जिसको हम जो है पजल बॉक्स कहते हैं। अच्छा, पजल बॉक्स का इस्तेमाल किया। यस यस, इसके कुछ डायमेंशंस होते होंगे। हां हां, बता रहा हूं मैं। वो पजल बॉक्स ऐसा था कि उसमें एक जो है बटन लगा हुआ था जो अंदर से दबने पर वो खुल जाता था। अच्छा, तो हम उसे क्या कहते हैं, थांडाइक ने पजल बॉक्स जो है लीवर 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 कहते, अच्छा, लीवर, लीवर कहते हैं, लीवर कहते हैं हम उसको। तो थांडाइक ने उस भूखी बिल्ली को उस पिंजरे में बंद कर दिया। अच्छा। और मैडम आपको जैसा कि मालूम है कि बिल्ली की सबसे मरगूब ग़िज़ा क्या है मैडम, जरा आप बता दीजिए। मछली, मछली है, बेशक, बहुत अच्छा। तो थांडाइक ने उस भूखी बिल्ली को उस पिंजरे में बंद करने के बाद पिंजरे के बाहर एक मछली को रख दिया। अच्छा। जो कि उसकी मरगूब गिजा है। अच्छा। फिर उसका वो मुशाहिदा करने लगे, क्योंकि ये तजुर्बा था इसलिए वो जो है मुशाहिदा करने लगे। अच्छा। तो मुशाहिदा के दौरान वो क्या पाते हैं कि बिल्ली जब अपनी मरगूब गिजा को देखती है, चूंकि वो भूखी है, तो वो उछल कूद मचाना शुरू कर दी। अच्छा, तो ताकि वो कूद मचाती होगी ताकि वो पिंजरे से बाहर आ सके। तो दौराने उछल कूद अचानक उसका पंजा या पैर उस लीवर या बटन पर पड़ जाता है, जिससे कि वो पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और अपनी बाहर आकर के और अपनी मरगूब गिजा को हासिल कर लेती है। इस तजुर्बे को थांडाइक ने जारी रखा और कुछ दिनों के बाद फिर ये तजुर्बा दोहराया। फिर उन्होंने वही बिल्ली पे दोहराया। यस यस, अच्छा, भूखी बिल्ली को लिया, फिर उसके बाहर जो है मछली रखी। अच्छा। फिर वो उसका मुशाहिदा करने लगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट तो टाइमिंग पर वो जो है देख रहे थे। अच्छा। तो दूसरी बार जब उन्होंने देखा तो गलतियों की तादाद कुछ कम हो गई थी, यानी कि पिंजरे का दरवाजा खुलने में जितना वक्त लगा था उससे थोड़ा सा कम वक्त लगा। अच्छा, ये मुशाहिदा नोट किया जा रहा था। नोट कर रहे थे वो। अच्छा। क्योंकि तजुर्बा है ना, इसलिए वो नोट कर रहे थे। तो इसी तरीके से वो दूसरा तजुर्बा, तीसरा तजुर्बा, चौथा तजुर्बा, पांचवा, बिल तरतीब वो तजुर्बे को जारी रखे। आखिर में वो ये पाते हैं कि जब उस बिल्ली को वो बंद करते हैं, भूखी बिल्ली को, तो वो बगैर किसी गलती किए हुए उस बटन को वो दबाती है, खामोशी से आकर के उस मछली को हासिल कर लेती है। सीख गई है किस तरह से लीवर दबाना गया। तो जो बात जो है थांडाइक ने इस एक्सपेरिमेंट से जो जाहिर करने की या साबित करने की जो कोशिश की वो यही की। अच्छा। कि इंसान जब भी सीखता है तो सही और खता के जरिए सीखता है, यानी कि गलती करता है फिर कोशिश करता है। कोशिश और गलती का ये सिलसिला जारी रहता है। नंबर वन। नंबर टू, गलती और कोशिश के दरमियान में
غلطیوں کی تعداد بالترتیب کم ہوتی جاتی ہے اور آخر میں بغیر کسی غلطی کیے ہوئے وہ چیز یا وہ شے انسان یا وہ چیز سیکھ لیتا ہے یہ ان کا جو ہے تجربہ ہے مختصر ہم اس سے اکتسابی نظریے میں دیکھے ہیں اس کو ہم ایک مرحل میں اس کے مرحل کیے گئے ہیں اس کے الگ الگ سٹیپس آئے ہیں تو یہ سٹیپس میں ایک کس طرح سے وہ سٹیپس آئے ہیں اس کے بارے میں آپ مختصر بتائیں میڈم تھانڈائک نے اس تجربے کی بنیاد پر اکتساب کے کچھ سٹیپس یعنی کی مراحل بیان کیے ہیں کہ اکتساب یا لرننگ یا سیکھنا کن کن جو ہے مراحل سے گزرتا ہے اب میں آپ کو تجربے کی روشنی ہی میں میں اکتساب کے اس اکتساب کے یعنی کی ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ کے اس کا میں آپ کو مرحلہ میں بتاتا چلتا ہوں اس تجربے کی روشنی میں بتاؤں گا سب سے پہلا مرحلہ جو انہوں نے بتایا وہ ہے نیڈ یعنی کی ضرورت ضرورت تو یہاں پہ بلی کی ضرورت ضرورت یس ضرورت ضرورت جو ہے وہ بھوکی بلی تھی تو تھانڈائک نے اس مرحلے کو سب سے پہلے رکھا کہ اکتساب کے لیے لرننگ کے لیے سیکھنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یا نیڈ کی ضرورت ہے بغیر ضرورت کے اکتساب ناممکن ہے جس طرح سے ایکسپیریمنٹ میں یا تجربے میں انہوں نے ایک بھوکی بلی کو دکھایا اگر وہ بلی بھوکی نہیں ہوتی تو آپ کچھ بھی رکھ دیجئے وہ کوشش نہیں کرتی وہ کوشش کرتی نہیں کیونکہ ضرورت نہیں ہے اب اس کو ضرورت نہیں ہے اب اس کو طالب علم ہے طالب علم کو ان کو نوکری امپلائمنٹ لینا ہے اس لیے ان کو داخلہ لینا ہے پڑھنا ہے اس لیے وہ پڑھتے ہیں ضرورت ہے امپلائمنٹ امپلائمنٹ نیڈ ہے الٹیمیٹ نیڈ ہے وہ اکتساب لرننگ کرنا ضروری ہے ان کے لیے اس لیے وہ گول رکھ کے چل رہے ہیں یہاں پہ بھوکی بلی کا گول کیا تھا کہ ہمارا یہ جو ہے دوسرا مرحلہ نیڈ اور ضرورت کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے گول یعنی کی ہدف مقصد کا حصول تو اس تجربے میں بلی کا مقصد وہ مرغوب غذا یعنی کی مچھلی تھی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش اس نے شروع کی تو گول تک پہنچنے سے پہلے بیریئر رکاوٹ آگیا یہ تیسرا ہے کیونکہ گول تک پہنچنے کے لیے بیچ میں پنجرے پزل باکس آگیا تو اس بیریئر کو یا رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا رہتا ہے رینڈم مومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ ہمارا چوتھا ہے اس پزل باکس سے باہر آنے کے لیے اس بیریئر کو توڑنے کے لیے انسان رینڈم مومنٹ کرنے لگتا ہے کوشش شروع کر دیتا ہے جیسا کہ بلی نے کیا اب ان کوشش کے ہی درمیان یا دوران ایک فکسیشن ہو جاتا ہے ایک ایسا نہیں فکسیشن تو آخر میں ہے میڈم اچانک اس کو کامیابی مل جاتی ہے چانس فیکٹر ہو جاتا ہے اس کا یس یس غلطی کرتے رہے کوشش جو ہے کرتے رہے پھر اچانک جو ہے لیور پہ بٹن پڑا وہ کامیاب ہو گئی اب جب ایک بار وہ کامیاب ہوتی ہے تو اس کو ہم بائی چانس کہتے ہیں بائی چانس ہو گیا یس یس اس کو پتا نہیں تھا یہ ہو سکتا ہے پر وہ بائی چانس ہو گیا بائی چانس سکسیز یا جو ہے اچانک کامیابی اس کو ملتی ہے اس کے بعد سے وہ اپنے صحیح رد عمل یعنی کی رائٹ ٹرائل یا کوشش کو وہ سلیکٹ کرنا شروع کرتی ہے یعنی کی بلی کو ایسا بعد میں احساس ہوا ہوگا کہ اس سائیڈ میں وہ کود رہی ہے تو یہ پنجرے کا دروازہ کھل جا رہا ہے یہاں پر پنجا پڑ رہا ہے تو وہ کھل جا رہا ہے تو وہ اپنے صحیح رد عمل کا انتخاب کرتی ہے اس کو کہتے ہیں سلیکشن اور آخری مرحلہ ہے فکسیشن یعنی کی مقرر رد عمل وہ اپنے رد عمل کو مقرر کر لیتی ہے فکس کر لیتی ہے کہ اب یہ اسی بٹن کو دبانا ہے تو ہم کو باہر نکل کر کے ہمیں یہ ہوتا ہے ان سٹیپس کو لیتے ہوئے ہم خوانین تعلیم اکتساب میں کیا خوانین دیئے گئے ہیں تھانڈائک نے کچھ خوانین دیئے ہیں وہ خوانین کیا ہیں جی میڈم تھانڈائک نے اپنے اس اکتسابی نظریے کی بنیاد پر اپنے اس تجربے کی بنیاد پر انہوں نے اکتساب کے قوانین جو کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے لاز آف لرننگ جو کی ایک جو ہے بحیثیت معلم بحیثیت طالب علم یہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ وہ تو تجربہ ہے جانور پر تو تھانڈائک نے
तीन बुनियादी लॉस यानी कि तीन जो है बेसिक लॉस दिए, उसमें सबसे पहला है कानून आमादगी यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस जी, और दूसरा है कानून मश्क यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा जो कानून है वो है कानून तासीर यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। तो मैडम, तो आप ये कानून आमादगी के बारे में थोड़ा रोशनी डालिए, हम इसको क्लासरूम में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके बारे में जरा जी वाजह कीजिए। मैडम, मैं जो है क्लासरूम जो है एप्लीकेशन मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, इस तजुर्बे की बुनियाद पर। अच्छा। जो थॉर्नडाइक ने सीखने के लॉस यानी कि कानून जो दिए उसको मैं पहले में बता देना चाहता हूँ। बकौल थॉर्नडाइक, सीखने के लिए इक्तेसाब के लिए सबसे पहली जो जरूरी या जरूरत है वो है आमादगी की, यानी कि रेडीनेस की। अच्छा। थॉर्नडाइक ये कहते हैं जब तक इंसान सीखने के लिए इक्तेसाब के लिए तैयार नहीं होगा, अच्छा, जहनी तौर पर तैयार नहीं होगा। अच्छा, रेडीनेस में जो है दो चीजें हैं, जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर। यस, तो जहनी और जिस्मानी दोनों की पुख्तगी होनी चाहिए। यस यस यस, सीखने के लिए दोनों की पुख्तगी बहुत जरूरी है। यस यस, मिसाल के तौर पर आपको मैं मिसालें जो है मैं दूंगा। मिसाल के तौर पर एक जो है क्लास सिक्स का स्टूडेंट है जी, आप उसको क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स आप जो नहीं पढ़ा सकते, इट मींस कि वो जहनी तौर पर उसको पढ़ने के लिए पुख्ता नहीं है। दूसरा मिसाल ये है कि एक इब्तदाई जमात का तालिब इल्म है, उसको आप दो घंटा बैठा करके आप जो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जिस्मानी तौर पर वो दो घंटा बैठने के लिए वो नहीं है। तो अभी तो मैं थोड़ा सा कवानीन को मैं बता दूं, तो आमतौर से थॉर्नडाइक ये कहते हैं जब तक इंसान जहनी तौर पर तैयार नहीं रहेगा, आमादा नहीं रहेगा, वो किसी चीज को सीख ही नहीं सकता। तो पहला कंडीशन उसका आमादगी होना जरूरी है। यस यस। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि मश्क। अच्छा। हाँ, इसीलिए तो ये जो है ट्रायल एंड एरर दिया है। अच्छा, इसका नाम इसलिए तो उसका ट्रायल एंड एरर सही और खता में गया है। थॉर्नडाइक ये कहते हैं जी कि बेहतर इक्तेसाब के लिए, अच्छा, मतलब परफेक्ट लर्निंग के लिए मश्क यानी कि एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। अच्छा। हम जितना ज्यादा मश्क करेंगे, अच्छा, जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे यानी कि प्रैक्टिस करेंगे, हम उसमें उतना मजीद बेहतर से बेहतर हम इक्तेसाब कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसीलिए तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यस यस यस, वही चीज मैं जा रहा था जो है मैं कहने के लिए कि ये एक कौल है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यही चीज है। हत्ता कि कोई भी इंसान इस दुनिया में जो है परफेक्ट तो नहीं, लेकिन ये एक मकौला है, कहावत है। बहरकैफ ये कवानीन या ये कानून ये कहता है कि बेहतर इक्तेसाब के लिए, अच्छा, मश्क यानी कि प्रैक्टिस का होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा मैडम, इसमें दो बातें हैं। अच्छा, वो क्या है? प्रैक्टिस में इन्होंने दो बातें कही हैं। अच्छा, वो क्या इसमें है? एक है लॉ ऑफ यूज, दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज। अच्छा, यानी कि पहला है इस्तेमाल और दूसरा है अदम इस्तेमाल। अच्छा, हम जिस शय को सीख लेते हैं अगर हम उसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में जारी रखते हैं वो लर्निंग पुख्ता हो जाती और मुस्तहकम रहती है। अच्छा। बरखिलाफ इसके अगर हमने उसका इस्तेमाल छोड़ दिया, हम उसको भूल जाते हैं धीरे धीरे। मिसाल के तौर पर कोई एक बच्चा है, अगर पोएट्री याद कर लेता है, छोड़ दिया, वो धीरे धीरे भूल जाता है। टाइपिंग अगर आपने सीख ली, छोड़ दीजिए। मैं मैडम जो है बचपने में टाइपिंग जो है बहुत स्पीड से मैं करता था। अच्छा, लेकिन अच्छा। आज मुझको जो है टाइपिंग जो नहीं आती है, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने छोड़ दी। डिसयूज, लॉ ऑफ डिसयूज। अच्छा मैडम, सबसे जो अहम बात है थॉर्नडाइक की, मैं चूंकि अभी जो है शुरुआत में ट्रायल एंड एरर मेथड की बात में कर रहा था, थॉर्नडाइक ने इसको आगे चल करके इस नजरिए को कनेक्शनिज्म का नाम दिया। अच्छा, कनेक्शनिज्म में इन्होंने दो वर्ड यूज किया, वो क्या है? स्टिमुलस और रिस्पांस। अच्छा, उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पांस की बात कही। तो सीखने के लिए, इक्तेसाब के लिए स्टिमुलस का होना निहायत ही जरूरी है। अच्छा। या आप दूसरी जबान में स्टिमुलस को आप नीड कह सकते हैं, जरूरत कह सकती है। जितना ज्यादा जरूरत इंसान महसूस करेगा
उतना ही ज्यादा स्टिमुलेट होगा। हाँ। क्योंकि स्टिमुलस का मतलब होता है स्टिमुलेट, यानी कि कोई भी ऐसी शय जो कि आपको कुछ सीखने के लिए आमादा करती है, स्टिमुलेट करती है, आपके के अंदर जो है जज्बा पैदा करती है। तो नीड, जरूरत, हदफ का हासिल होना सामने, मश्क में अगर हम जो है मश्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें कामयाबी मिल गई, तो वो कामयाबी हमें सीखने के लिए स्टिमुलस का काम करती है। और इसके बरखिलाफ अगर हमने डिसयूज कर दिया, उसका अदम इस्तेमाल कर दिया, तो वहां पे स्टिमुलस कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो वो तो वो रिस्पॉन्स बॉन्ड कह सकते हैं, एसआर बॉन्ड ही कहते हैं। हम इसको कहते हैं। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बता दी कि इनका ये नजरिया कनेक्शनिज्म के नाम से भी मशहूर है। अच्छा। और इसको इन्होंने आखिरी ही मतलब कि अपने इन तजुर्बात की शुरुआत तो इन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड से की, लेकिन इसको जब इन्होंने डेवलप किया तो इसका नाम इन्होंने कनेक्शनिज्म रखा, यानी कि देयर इज कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। यानी कि स्टिमुलस, हम इसको उर्दू में जो है मुहीज के नाम से जानते हैं, मुहीज और रद्द अमल के माबैन रिश्ता और मैडम इनका जो सबसे अहम जो तीसरा जो कानून है, यानी कि कानून तासीर जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि ऐसी शय जो कि इक्तिसाब में असर करती हो, असर अंदाज होती है, तासीर असर से बना है। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि इक्तिसाब पर असर अंदाज होती हैं, उसको जो है अफेक्ट करती हैं। तो इसमें इन्होंने दो बातें कही, एक तो रिवार्ड यानी कि इनाम, और दूसरा पनिशमेंट यानी कि सजा। अच्छा, तो इनाम और सजा का कॉन्सेप्ट इन्हीं से मिला है हमें, इन्हीं से मिला है, और लॉ ऑफ जो है इफेक्ट से मिला है, लॉ ऑफ इफेक्ट से मिला है। कभी कभी हमको इनाम की जरूरत पड़ती है और कभी कभी सजा की भी जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको, जब मैं एजुकेशनल एप्लीकेशन यानी कि तालीम में अतलाक की जब मैं आपसे बात करूंगा, तब मैं इसको मैं तफसीली तौर पर इस पर मैं रोशनी डालूंगा। यहाँ बस ये जान लेना काफी है कि इक्तिसाब के लिए सीखने के लिए इनाम और सजा, अच्छा, दो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। दोनों का रोल है इक्तिसाब में। मुशाहिद साहब, इसको इक्तिसाब में किस तरह से तलाक करते हैं, इसके बारे में बताइए मुख्तसर से। यस मैडम, ये सबसे अहम सवाल है जी, क्योंकि हम इस इक्तिसाबी नजरिया को जो पढ़ते हैं वो तालीमी इतलाकी के लिए तो पढ़ते हैं कि हम जो है थार्नडाइक के दिए हुए इस इक्तिसाबी नज़रिए को हम इसका इस्तेमाल तालीम में कैसे कर सकते हैं, यानी कि एक मुअल्लिम, एक उस्ताद इस नज़रिए को पढ़ने समझने के बाद वो किस तरीके से अपने दर्स व तदरीस में इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो मैडम सबसे पहला जो कानून था, कानून आमादगी, आमादगी यानी कि एक मुअल्लिम को दर्स व तदरीस से पहले अपने तालिब इल्मों को ज़हनी तौर पर तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बच्चे ज़हनी तौर पर नहीं तैयार हुए तो इक्तिसाब मुअस्सिर नहीं होगा। यानी कि सबसे पहले मुअल्लिम को चाहिए कि मुख्तलिफ मुहरकात, मुहरका के ज़रिए आसान से मुश्किल की जानिब, आम से ख़ास की जानिब, यानी कि बतौर मजमूई या मुख्तसर में हम ये कह सकते हैं कि एक मुअल्लिम को ये चाहिए कि दर्स व तदरीस से पहले, पढ़ाने से पहले अपने तालिब इल्मों को वो ज़हनी तौर पर तैयार कर ले कि वो उनकी बात को सुनने के लिए वो तैयार हो जाए। नंबर टू, मश्क। एक मुअल्लिम को हमेशा ये कोशिश करते रहनी चाहिए कि बच्चों से वो ये कहे कि जो भी वो इक्तिसाब करें, सीखें, उसको घर पर जा कर के दोहराएं। यानी कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, इसलिए जब तक वो दोहराएंगे नहीं उनका इक्तिसाब मुस्तहकम और पुख्ता नहीं होगा। इसलिए एक मुअल्लिम को हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए कि अपने तालिब इल्मों से वो कहें कि जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने लर्न किया यानी कि जो इक्तिसाब किया, उसकी वो प्रैक्टिस और मश्क करते रहें। तीसरा है, सबसे जो असर है, ये मुअल्लिम के लिए बहुत ही मुश्किल जो है मरहला है कि बेहतर इक्तिसाब के लिए वो रिवार्ड का इस्तेमाल करे यानी कि इनाम का करे या सजा का इस्तेमाल करे। मुअल्लिम को बहुत ही मोहतात रहने की जरूरत है क्योंकि कभी कभी इनामात भी देना चाहिए, इनामात भी इक्तिसाब में रुकावट बनते हैं और कभी कभी
सज़ा भी रिकॉर्ड बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी तालिब इल्म ने सबक को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिया, अब आपने उसको मेडल दे दिया, अच्छा, तो और एक रिवॉर्ड हो गया, एक छोटी सी गलती की उसकी आपने कारपोरल जो है पनिशमेंट शुरू कर दिया। तो इनामात के भी कई अकसाम हैं, सज़ा के भी कई अकसाम हैं। मिसाल के तौर पर आपने तालिब इल्मों को शाबाशी दे दी, कोई उसको पोस्ट दे दिया, ओहदा दे दिया, क्लास का मॉनिटर बना दिया, ग्रुप लीडर बना दिया, इसके बाद आप जो बढ़ते जाइए, अच्छा, मेडल दे दिया, और तो आखिरी जो हद है, आखिरी आखिरी जो हद है वो है रकम की सूरत में उसको। नंबर टू है सज़ा। सज़ा की भी शुरुआत होती है, आपने उसको डांट दिया, आपको उसके जगह पर खड़ा करा दिया, कमरे जमात से आपने उसको बाहर कर दिया, या लास्ट में यह है कि कारपोरल पनिशमेंट दे दिया। तो यहाँ पर मुअल्लिम को बहुत ही मोहतात रहने की इसलिए ज़रूरत है कि वो माहौल का तजज़िया करके, जायज़ा ले करके, और अच्छे काम और बुरे काम की इंटेंसिटी को समझ करके जी, कि जो बच्चे ने किया है, मिसाल के तौर पर अगर बच्चा बहुत ही रेगुलर है, पंक्चुअल है, आप उसको जो है शाबाशी दे दीजिए, और अगर वो स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर कोई जो है बहुत बड़ा कारहाए नुमाया अंजाम दिया, उसको मेडल दे दीजिए। तो मुअल्लिम को ये चाहिए कि बेहतर वक्त पर बेहतर सज़ा और इनाम का वो इस्तेमाल करे। अजीज़ तलबा और तालिबात, आज के इस सबक में बस इतना ही, किसी और मौजू के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आदाब।